नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर में। और आज मैं बनारस के 80 घाट पर मौजूद हूं और आज यहां हमारे काव्य गुंजन चैनल का कवि सम्मेलन के शूट हो रहा है और मैं दिखाऊंगा आगे किस तरह से यहां पर कवि सम्मेलन के शूटिंग होती है। तब तक हमारे चैनल से बने रहने के लिए, यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रहेंगे फिल्मी खबरों में सबसे आगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि जब कमेंट करते हैं तो हमें आपका प्यार और दुलार आशीर्वाद मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि सम्मेलन की शूटिंग कैसे होती है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं गंगा का मनोरम दृश्य, जो आज हम लोग बनारस के 80 घाट पर मौजूद हैं। और ये किनारा, नदी का किनारा, सुंदर मनोरम दृश्य आपको मैं इस सावन मीडिया फिल्मी खबर के चैनल से आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ। बहुत ही मनोरम दृश्य, सारे नाव लगे हुए हैं। आइए मैं आपको दिलीप सिन्हा सर से मुलाकात कराता हूं और जानता हूं कि ये कवि सम्मेलन शूटिंग को कैसे करेंगे, क्या रणनीति है, ये हम लोग आज जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है सर आप सभी का हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर में। और सर, अभी यहां किस तरह का शूट है शुरू होने वाला है सर? नमस्कार, आज काव्य गुंजन के देख रेख में हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। लगभग एक साल से काव्य गुंजन की शूटिंग चल रही है, कई तरह की होती है। आज हमारे मन में आया कि हम लोग गंगा घाट पे नाव में करें और पूरी टीम हम लोग के साथ है और काव्य गुंजन के लिए प्यार आशीर्वाद आप देते रहें, कुछ नए नए चीज़ आप देखते रहें। हमारे ओमकार सर, हमारे सावन सर, मुन्ना मामा और कई कवित्री और कई कवियों हमारे साथ आज हैं और मज़ा लीजिए। नमस्कार, आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं फिर रूबरू होता हूँ आप सभी से। और ये हमारे डायरेक्टर ओमकार सर। सर, आज कितने कवि का यहाँ पर शूटिंग होंगे सर? 10 कवि हमारे बीच रहेंगे और ये काशी विश्वनाथ की नगरी माँ गंगा की पावन आँचल पे हम लोग काव्य गुंजन का महफिल सजा रहे हैं। और आप तमाम दर्शकों से चाहते हैं कि काव्य गुंजन चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक से एक कवि आपके बीच आते रहेंगे। और हम लोग हर, मतलब कि जब भी हम शूट करेंगे, यूनिक लोकेशन पर जा जाकर हम लोग शूट करेंगे और नए नए कवियों को लाएंगे और आप लोगों का मनोरंजन करवाएंगे। और सर, अभी जो यहाँ पर जो कवि आए हुए हैं, लगभग कहाँ कहाँ से हैं सर? कवि हमारे आए हुए हैं दिल्ली से आए हैं, वाराणसी से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, सासाराम से हैं और तमाम कई जगह से हैं। जो हमारे जो पांडे अनिल अकेला जी हैं, वो संयोजक हैं, उनके ही नेतृत्व में सारे कवि उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बोलिए जय माँ गंगे की। जय माँ गंगे की। जय काशी विश्वनाथ की। जय बैठ जाइए। आइए, किससे बोल रहा है? बंदिया ले बहुत क्लास है क्या आप? आए आए अच्छा, कोई किताब जहाँ जाते रहते थे हम लोग चाहते हैं। अभी हम लोग काव्य गुंजन चैनल के लिए कवि सम्मेलन के शूट पे निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सारे लोग, क्रू मेंबर हमारे बैठे हुए हैं और ये धीरे धीरे घाट के छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या भैया, जिन लोग को नहीं सुन पाए उनको वीडियो में सुन लिया जाएगा।
ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये रामनगर का किला, कितना मनोरम दृश्य। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे आज का ये वीडियो शूट करने में इस काव्य गुंजन के चैनल के लिए। ये काफ़ी बेहतरीन लोकेशन देख सकते हैं कि ये किस तरह का लोकेशन है, चारों तरफ मनोरम दृश्य। तो आज मैं आपका मित्र संतोष सावन, आज मैं आप सभी को काव्य गुंजन के जो कवि सम्मेलन का जहाँ यहाँ शूटिंग हो रहा है, आज मैं उनसे काव्य गुंजन चैनल के प्रोपराइटर मिस्टर अकेला जी से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ और जानता हूँ, जानना चाहेंगे हम लोग और जानते हैं कि ये कवि सम्मेलन जो हो रहा है कैसे हो रहा है और इसकी आगे की रणनीति क्या है, ये हम लोग अभी जानते हैं अकेला जी से। तो आइए मैं आपको अकेला जी से मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा आपका शाउन मीडिया फिल्मी खबर में। और सर अभी जो आप यहाँ कवि सम्मेलन का शूट करा रहे हैं तो यहाँ पर कितने कवि लोग यहाँ पर आए हुए हैं? अभी हमारे यहाँ 11 कवि आए हैं और जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रांतों से हमारे बीच हैं। अभी तो हमारे बीच राष्ट्रीय कवि और ओज के प्रखर कवि विद्वान डॉक्टर मदन मार्तंड जी हैं, कानपुर से नीरू श्रीवास्तव जी हैं और देवरिया से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो अपनी काव्य की प्रस्तुतियाँ देंगे। जैसा कि सर आपका और भी जगह पे शूटिंग हुआ है, जैसे कि आपके गांव में भी हमने गया था वहाँ आपके शूट करने के लिए, लेकिन ये शूटिंग तो हम लोग कहीं और भी कर सकते थे, यानी कहीं और भी इस का शूट कर सकते थे, लेकिन आपका क्या विचार हुआ कि जो इस बनारस के 80 घाट पे आप शूट करने आए हैं? इसके पीछे दो तीन वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि इस देश को कहा गया है कि इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाई है तो साहित्य ने ही उसे सहारा देकर के उठाया है, और ये बात नेहरू जी और दिनकर जी के समय की है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे आदरणीय नेहरू जी और उनका पैर लड़खड़ा गया, बगल में हमारे दिनकर जी थे, उन्होंने उनको संभाला और उन्होंने कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संबल प्रदान करेगा, एक दिशा देगा। और आज की जो हालात हैं हमारे देश में, माँ गंगा में नमामि गंगे बहुत अच्छा योजना चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, लेकिन अभी इस पर बहुत सारे काम करने हैं। हमारे जितने भी कवि कवित्री हैं, हो सकता है कि अपने कविता के माध्यम से आप लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करें। सर सवाल यह था कि ये कवि सम्मेलन आप और भी जगह पे करा सकते थे, जैसे कहीं स्टेज लगा कर, लेकिन आपने 80 घाट पर ही क्यों करने का प्लान किया सर? इसलिए कि ये हमारी माँ हैं और कोई भी बच्चा दुनिया में अगर उसको स्वर्ग में भी भेज दिया जाए तो शायद वो असहज महसूस करेगा, लेकिन माँ की गोद में कोई भी बच्चा जो सुख शांति पाएगा वो कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो सर आप अपने काव्य गुंजन के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो काव्य गुंजन साहित्यिक चैनल है, यह बिहार का एकमात्र साहित्यिक चैनल है और इसे आप देखें, हर तीन दिन के बाद एक नए कवि को लेकर के मैं उपस्थित होता हूँ और आप लोग अपना प्यार दुलार इस चैनल को सब्सक्राइब कर काव्य गुंजन याद रखिए, यूट्यूब पर सर्च करिए काव्य गुंजन, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इतना आशीर्वाद बनाए रखिए और मैं देश के और धीरे धीरे देशी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि भी इस मंच पे आएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे भारत के अलावा दो देशों में
काव्य गुंजन को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर के लिए इतना समय निकाल के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखा दोस्तों आपने कि कवि सम्मेलन का शूट किस तरह से होता है। लगातार फिल्मी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर से, और आप तभी हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर से बने रहेंगे जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल यानी कि सावन मीडिया फिल्मी खबर को आप सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जी हाँ, आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे आपका प्यार और दुलार आशीर्वाद मिलते रहता है। तो चलिए भाई, तब तक के लिए गुड बाय, मैं फिर मिलूँगा एक नई चटपटी फिल्मी खबर को लेकर।